क्योंकि इस दिन के लिए सारे ही लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये वैसी मतलब आपने देखा महामारी, ऐसी वबा जो हमने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी, ये हालत हमने नहीं देखे थे, जो हमने एज ए हॉस्पिटल मतलब एम्प्लॉई देखे हैं, एज ए हेल्थ केयर वर्कर जो हमने प्रॉब्लम देखी, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। तो मैं कह रही हूँ कि हम सबके लिए जरूरी है, लेकिन चूंकि जिस वक्त COVID-19 शुरू हो गया, सब एक दूसरे से डर रहे थे, दूर रह रहे थे, लेकिन हम फ्रंट लाइन पे थे उनका केयर करने के लिए, तो अभी भी हम ही फ्रंट लाइन पे आए। हमने कहा कि लेट इस वॉलंटियर, लेट इस स्टार्ट विद हेल्थ वर्कर्स। जब हेल्थ वर्कर्स लेंगे तो शायद दूसरों को भी एक माइंड में आ जाएगा कि देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, एवरीबॉडी शुड कम फॉरवर्ड एंड टेक बेनिफिट ऑफ इट। कुछ लोगों में डर है, वैक्सीन नहीं करना चाहिए, वही तो कह रही हूँ मैं कि डर तो है बहुत सारे लोगों में, मुझे नहीं लगता कि डर डरने की कोई जरूरत है। हमने तो आगे आए इसलिए सारे सामने आ जाए। एक हमने रखे 100, आज जो पहले फेज में हमारे यहाँ वैक्सीनेट हो जाएंगे, कोविशील्ड का वैक्सीन लग रहा है जिसकी ट्रायल्स होगी है अबाउट 1 ईयर। आइडियली हम 5 साल की ट्रायल्स करते थे सच वैक्सीन में, मगर चूंकि इमरजेंसी सिचुएशन थी तो लेस देन अ ईयर ट्रायल वॉज डन एंड टुडे ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। आई हैव गॉट वैक्सीनेटेड जस्ट नाउ, आवर डॉक्टर साहब हैज गॉट वैक्सीनेटेड, आवर नोडल ऑफिसर हैज गॉट वैक्सीनेटेड अमंग अदर्स। वी आर फीलिंग हेल एंड हार्टी, नो सिम्टम्स। जो स्केयर है वो थोड़ा सा वाजिब है, क्योंकि लोगों को ये पता है कि ट्रायल्स थोड़ी शॉर्ट हो गई हैं, 1 साल की हो गई हैं, रादर देन एज आई वाज सेइंग 5 साल 6 साल की ट्रायल्स। बट देयर इज नथिंग टू वरी, जो कोई भी ट्रायल्स हुई हैं सेटिस्फेक्ट्री रही हैं, और जो हमारे ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है दे हैव बीन वॉचिंग ऑन द थिंग्स, एंड जब उनको लगा कि ये चीजें जो है सेफ है फॉर कम्युनिटी, देन ओनली द वैक्सीन वॉज लॉन्च टूडे बाई ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जो हमारा ये है इसमें माइल्ड सिम्टम्स रह सकते हैं, जैसे टेंडरनेस एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन इंजेक्शन, एंड देन सम रेडनेस हो सकती है, मे बी सम पीपल डेवलप सम इचेस एंड ऑल दैट रैशेस, या कुछ लोगों को वोमिटिंग भी हो सकती है। दीज विल बी द मेजर साइड इफेक्ट्स, विच मुझे नहीं लगता कि हम एक्सपेक्ट करना चाहिए हमको ज्यादा साइड इफेक्ट्स। जो ट्रायल्स हुई हैं तो रेयर, कुछ रेयर हमको न्यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स देखेंगे, बहुत ही रेयर, सो आई डोंट थिंक दे आर इन ऑल वैक्सीन जो हम करते हैं, जैसे H1N1 बाकी वैक्सीन उनमें भी वो चीजें रहती हैं। तो हमको ये आराम से करना चाहिए, सिर्फ कुछ लोग हैं जो कैटेगरीज हैं उनमें हम नहीं कर सकते ये वैक्सीन, ट्रायल्स भी पूरी नहीं हुए उनमें, जैसे कि चिल्ड्रन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, प्रेग्नेंट लेडीज, लैक्टेटिंग मदर्स, और अगर किसी बंदे को एलर्जी की हिस्ट्री है विद ड्रग्स एंड वैक्सीन और इंजेक्टेबल्स, उनको एलर्जी है उनको ध्यान से ये करना चाहिए। तो बाकी जो हम कह रहे हैं कोमॉर्बिडिटी कंडीशंस, दे आर द पीपल हु नीड इट मोस्ट, उनको तो करना ही करना है, जो अडल्ट हैं उनको करना है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैव टू बी द फर्स्ट प्रायोरिटी, बिकॉज दे अगर वो हमारे इम्यूनाइज हों और वो सेफ हो तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो है जो हेल्थ केयर वर्कर्स से आपस में लग सकता है या हेल्थ केयर वर्कर्स से पेशेंट्स को लग सकता है वो ब्रेक हो जाएगा। एक्सपर्ट्स से देयर आर नो नोन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स।